नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंगल वर्षा पूजन कार्ड चैनल में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसे रत्न के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी जितनी खूबियाँ गिनाई जाए, जितने उसके लाभ गिनाए जाए उतने कम है। हर किसी का फेवरेट रत्न होता है, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक, हॉलीवुड तक, और सभी जितने भी आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं और उद्योगपति हैं, सभी का फेवरेट यह रत्न होता है। इसे जिसने पहना है उसे इसने रातों रात रंग से राजा बना दिया है। दोस्तों बहुत स्पेशल रत्न है और ये रत्न है फिरोजा। आप फिरोजे के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। फिरोजा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने शेड्स में आता है, किस रूप में आप इसे पहन सकते हैं, रिंग के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, माले के रूप में, सभी बातें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। कैसे पहन सकते हैं, धारण करने की विधि क्या है, बीच चीज मैं इस वीडियो में आपको मिस नहीं होने दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे पूजा पाठ से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं फिरोजा रत्न होता क्या है। दोस्तों फिरोजा रत्न को संस्कृत में पैरोज अथवा हरिताश्म भी कहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यह रत्न जो है मुसलमानी पत्थर होता है, मैं इसे क्यों पहनूं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यह बात बताना चाहूंगा कि इस धरती पर पाई जाने वाली कोई भी चीज, चाहे वो रत्न हो या कोई भी चीज हो, उस पर किसी भी धर्म का या पंथ का अधिकार नहीं होता है। ये सभी चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, सभी के पहनने के लिए, सभी के यूज करने के लिए है। तो दोस्तों यह इसका नाम फिरोजा इसलिए पड़ा, कोई मुसलमानी नाम नहीं है, ईरान के क्षेत्र में पाया जाता है, सबसे ज्यादा वहीं पर यह पाया जाता है और सबसे अच्छा भी वहीं का माना जाता है, इसलिए उस लोकेलिटी का होने के कारण इसका नाम उर्दू शब्द के आधार पर रख दिया गया। लेकिन इसका वर्णन हमारे रत्न शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में कई हजारों सालों से पहले मिलता है। महाभारत काल में, यानी कि 5000-6000 वर्ष पहले भी इस रत्न का उपयोग किया जाता था, उस समय भी इसे बरकत देने वाला पत्थर माना जाता था। दोस्तों ये एक अपारदर्शी रत्न होता है, परंतु वर्तमान समय में इसकी बहुत अधिक मांग है। फिरोजा रत्न का मूल रंग आसमानी होता है, आसमानी रंग से थोड़ा गहरा भी होता है, यह नीले रंग का मिश्रित रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि सर्टिफिकेट में जब आप लें तो उसमें क्या क्या जांचें। दोस्तों ये फास्फेट वर्ग का एक खनिज होता है। मो स्केल पर इसकी हार्डनेस यानी कि कठोरता 5 से लेकर 6 तक होती है। विशिष्ट ग्रोथ यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लेकर 2.9 तक होती है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका जो है अपवर्तनांक जिसे बोलते हैं 1.61 से लेकर 1.65 तक होता है। इसमें इंक्लूजन भी कभी कभी पायरेट का माना जाता है, पायरेट का आ जाता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं इस रत्न के लाभ क्या होते हैं, इसे आप क्यों धारण करें। तो दोस्तों इस रत्न में जितने भी लाभ गिनाए जाए उतने कम है। सबसे पहले यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप इसे पहन सकते हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार होना चालू हो जाएगा। यदि आपके करियर को दिशा नहीं मिल रही है, आप करियर अपना चूज नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप यह रत्न धारण करेंगे तो आपको करियर भी मिलेगा, और जिस करियर में आप हैं उसमें आपको नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं या आप शादी विवाह संबंध में हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन में हैं, तो यदि आपके बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आप वहाँ पर भी इसे धारण कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये बहुत लाभप्रद होगा, आपके रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाएगा और बचाएगा भी। धन व्यापार नौकरी आदि के लिए भी बहुत रत्न शुभ होता है। नजर दोष दुर्घटना आदि सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। आपको नेम फेम पैसा सभी कुछ ये रत्न दिलाता है। दोस्तों वैसे तो यह रत्न गुरुदेव बृहस्पति का रत्न माना जाता है, लेकिन मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर मैं मानता हूँ कि गुरुदेव बृहस्पति के साथ साथ ये शुक्र एवं शनि का भी रत्न होता है। तीनों का एक साथ आशीर्वाद पाने के लिए आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि यह रत्न कौन कौन धारण कर सकता है, किसे यह रत्न धारण करना चाहिए। तो दोस्तों यह एक ऐसा चमत्कारी पत्थर होता है, किसी पहनने से पूर्व आपको कुंडली आदि दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे किसी भी लग्न का, किसी भी राशि का कोई भी जातक, स्त्री पुरुष, बूढ़ा बच्चा आदि धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं फिरोजा रत्न कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और कितने का आता है। तो दोस्तों सबसे अच्छी क्वालिटी का जो फिरोजा होता है वो ईरान का माना जाता है। मैंने पहले भी यह बात आपको वीडियो में बताई थी, ईरान का फिरोजा जो होता है वो आसमानी नीले रंग का होता है, इसमें गोल्डन और सिल्वर छीटे होते हैं। इसके बाद इसकी कीमत जो है आपको 300 रुपये प्रति रत्ती से लेकर 1000 रुपये प्रति रत्ती तक मिल जाती है। इसके बाद आता है मैक्सिकन और अमेरिकन फिरोजा। दोस्तों ये दोनों पत्थर एक जैसे देखने में लगते हैं, दोनों में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और दोनों का काम भी, वर्किंग भी बराबर ही होता है। इसकी कीमत भी आपको 200 रुपये रत्ती से लेकर 500 रुपये रत्ती तक मिल जाती है। इसके बाद आता है इंडियन फिरोजा। यह बिल्कुल नीले रंग का होता है, इसमें कोई भी छींटा नहीं होता है, इसमें कभी कभी हरापन भी पाया जाता है। बहुत हल्की क्वालिटी का फिरोजा होता है, लेकिन काम ये भी ठीक ठाक करता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसको पहचान करने का तरीका क्या होता है, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं फिर आपको यही बताऊंगा कि एक अच्छी लैब का, अच्छी प्रमाणित लैब का सर्टिफिकेट लें, उसके साथ में स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा कि असली है या नकली है। और बाकी जितनी यूट्यूब में फालतू की बातें चल रही हैं, इसको जला कर देखें और घिस कर देखें, इसमें करें उसमें करें, इससे आपका फिरोजा खराब भी हो सकता है, टूट भी सकता है, या उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें। आपको कोई डाउट है तो आप उसकी फोटो हमें भेज सकते हैं, और यदि आप असली फिरोजा चाहते हैं तो हमारे संस्थान के माध्यम से ले सकते हैं, पूरी गारंटी के साथ, लैब सर्टिफिकेट के साथ,
गवर्नमेंट अप्रूव लैब के साथ में, जीएसटी नंबर के साथ में पूरी गारंटी हम लोग देते हैं कि जो चीज़ आपको देंगे पूरी असली देंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी असली की जानकारी देती है। और फायदा आपको लेने का हमारे साथ ये भी है कि हम आपको सजेस्ट भी कर देते हैं कि रत्न आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। अंगूठी सहित बनवा कर पूजा प्रतिष्ठा करके सभी कंप्लीट मैच सर्विस के साथ में आपको फिरोजा रत्न प्रोवाइड कराऊंगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि फिरोजा रत्न आप किस किस रूप में पहन सकते हैं, यानी कि अंगूठी के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, और ब्रेसलेट भी दो तरीके के होते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये सिल्वर फिनिशिंग साथ में जो आता है ये ब्रेसलेट होता है, और एक ये पूरा पूरा जो बीट्स का बना होता है 24 बीट्स का, ये भी फिरोजा होता है। तो दोस्तों इन दोनों के रूप में आप इसे पहन सकते हैं, माले के रूप में भी आप इसे पहन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस रूप में इसे पहन सकते हैं। इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि आपकी राशि क्या है या कहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पायलट के बारे में बताया था कि किस किस रूप में पहने के क्या क्या लाभ होते हैं। आप इसे किसी भी रूप में पहने ऐसा चमत्कारी पत्थर है, आपको लाभ ही करेगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसे धारण करने की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले धारण करने के लिए इसे शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले आपको शुद्ध रत्न लेना होगा। उसके बाद इसका वजन जो है आपके वजन का 20% होना चाहिए, क्योंकि ये उपरत्न होता है इसलिए इसको थोड़ा भारी बनाया जाता है। दोस्तों इसके लिए सबसे अनुकूल धातु जो होती है वो चांदी होती है। चांदी में आप इसे ब्रेसलेट के रूप में या अंगूठी के रूप में भी धारण कर सकते हैं। चांदी आप अंगूठी, लॉकेट या ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं। पहनने के लिए सबसे शुभ दिन जो होता है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का होता है। यदि आप स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ में और अनामिका उंगली में, यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ में अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं ब्रेसलेट और अंगूठी दोनों के ही रूप में। अगर आप लॉकेट के रूप में पहन रहे हैं, इसका पेंडेंट आपने बनवा रखा है जिसे आप चैन में, चांदी की चैन में या पीले धागे में डालकर पहन सकते हैं। और धारण करने के लिए सबसे पहले शुद्ध करना अनिवार्य होता है। उसके लिए जैसे मैं हमेशा सभी रत्नों को 5 चीज़ों से स्नान करने के लिए बताता हूँ, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद आदि से 5 चीज़ों से स्नान कर लीजिए। इसके बाद आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह के प्रति आप ये रत्न पहन रहे हैं, जैसे कि बृहस्पति या शुक्र या शनि, उसी दिन इस रत्न को पहने और उन्हीं देवता के मंत्रों का आप जाप करें। जैसे कि बृहस्पति है तो बृहस्पति का मंत्र पढ़ें, शनि है तो शनि का मंत्र पढ़ें, और शुक्र की शुद्धता पाना चाहते हैं तो शुक्रदेव का आप मंत्र पढ़ सकते हैं। अब यदि दोस्तों यह रत्न आप हमारे चैनल के माध्यम से लेना चाहेंगे तो आपको ये पूजा प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ धारण करने की विधि आपको बता दी जाएगी। यहाँ से हम 1008 मंत्रों द्वारा सिद्ध करके प्रॉपर इसको नियमित मुहूर्त में, नियमित समय में सिद्ध करके आपको यहाँ से पहुँचाते डिलीवर कराते हैं। सिर्फ आपको धारण करना होता है, उसकी विधि आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के माध्यम से बता दी जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिरोजा रत्न से रिलेटेड अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।